हेलो एवरीवन, कल हम बीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत टॉपिक डिस्कस कर रहे थे लर्निंग। इसमें हमने पहले जो डिस्कस किया था इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने डिस्कस की थी डेफिनेशन के बाद हमने डिस्कस किया था इसकी फॉर्म्स ऑफ लर्निंग, इसमें हैबिचुएशन के तीन पार्ट्स को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने एसोसिएटिव लर्निंग को डिस्कस किया था, इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग को डिस्कस किया था। उसके बाद ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन को डिस्कस किया था कल। इसके बाद हमने डिस्कस किया था ट्रायल एंड एरर, तो ट्रायल तथा एरर के द्वारा जो लर्निंग बिहेवियर है वो किस तरीके से होता है उसको डिस्कस किया था। इसके बाद हमने जो डिस्कस किया था कल लेटेंट लर्निंग के बाद जो हमने आज डिस्कस करना है लर्निंग के अंतर्गत, यानी इस टॉपिक का जो नेक्स्ट बार हमें डिस्कस करना है, फोर्थ पॉइंट इनसाइट या रीजनिंग। इस टाइप के को लर्निंग कॉम्प्लेक्स तथा हाईएस्ट टाइप की, होती है। इसमें ऑर्गेनिक बिना किसी रेस्पॉन्स को लिए हुए वातावरण के इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। इसमें पुराने अनुभव के आधार पर ऑर्गेनिज्म सिचुएशन को समझ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जब चिंपैंजी को एक ऐसे केज में यानी पिंजड़े में रखा गया जिसमें बॉक्स रखे थे तथा केले रखे थे जिन पर वह अपने आर्म्स यानी भुजाओं के द्वारा सिंपल तरीके से पहुंच पाना कठिन था। तो यह देखा गया कि चिंपैंजी ने बॉक्स को एक के ऊपर एक रखकर केले तक पहुंचने में आसानी महसूस की। इसके बिना किसी ट्रायल और एरर के, पुराने अनुभव के आधार पर दिमाग को लगाकर उसने नए सिचुएशन को फेस किया। तो ये कहलाता है इनसाइट या रीजनिंग, जिसमें उसने जो पुराना जो मेथड था उसको एक तरफ रख दिया और अपने दिमाग को थोड़ा चलाया कि मैं इसको, एक आपका जो स्लिप होता है घर में, अगर आपको कमरे में छोड़ दिया जाए, स्लिप है यानी अलमीरा है, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन आपकी फेवरेट कोई भी चीज़, जैसे आजकल जो बच्चे हैं पिज़्ज़ा के बहुत शौकीन हैं, पिज़्ज़ा चाहिए उनको खाने के लिए, अगर वो ऊपर रखा हुआ है आपको उसकी खुशबू आ रही है, लेकिन आपके हाथ आपकी मम्मी ने ऊपर रख दिया सीढ़ी के द्वारा या कुर्सी के द्वारा, कुर्सी पर चढ़कर, लेकिन आपको उसकी खुशी के वजह से, मतलब उसकी खुशबू की वजह से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, तो आपको पहले तो देखेंगे कैसे इसको उतारें, आसपास में कुछ सामान रखा हुआ है, बॉक्स रखे हुए हैं, बॉक्स पे चढ़ के आपने कोशिश करी नहीं हो पाया, रूम में ही सीढ़ी रखी है, तो आप क्या करेंगे, उस सीढ़ी का इस्तेमाल करेंगे। आपने दिमाग लगाया, बॉक्स से आपकी नाकामयाबी रही, तो आपने सीढ़ी का यूज किया और आसाम से उस चीज को, जो भी रखा था मतलब जो पिज्जा रखा था उसको वहाँ से उठा लिया और अपने जो भूख थी उसको मिटा लिया। तो किससे इसको लर्निंग का, तो आपको लर्निंग में किसने हेल्प की, एक तो सीढ़ी ने, दूसरा पिज्जा।
अगर पीजे नहीं होता तो आप अपना दिमाग ही नहीं चला पाते, ना ही स्टडी का यूज कर पाते। अब बात करते हैं फिफ्थ टाइप, इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग शब्द सर्वप्रथम 1935 में केलोरी द्वारा लिया गया था। इम्प्रिंटिंग लर्निंग की एक ऐसी स्टेप है जिसमें एनिमल्स तेजी से सीखता है, मतलब इम्प्रिंटिंग ही एक ऐसी स्टेप है जिसमें जो एनिमल्स है वो तेजी के साथ सीखता है। यह है बिहेवियरल डेवलपमेंट के समय अगली स्टेज में होती है, अर्थात यह उस समय होता है जब एनिमल्स अंडे से बाहर आया और बाहर की दुनिया को देख रहा हो, मतलब जो भी कोई एनिमल्स है वो एकदम एग से बाहर निकल के बाहर की दुनिया को देख रहा हो। इसमें एक एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने लगता है। नॉर्मली यह एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच डेवलप होती है, जैसे पेरेंट्स व उनके बच्चे के बीच यह कभी कभी यह दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स के बीच भी दिखाई देती है। एक पक्षी व एक मानव पक्षियों के अंदर स्पेसिफिक सॉन्ग को सीखना इम्प्रिंटिंग बिहेवियर है, बिहेवियर का ही एक उदाहरण है। कभी कभी एक स्पीशीज का यंग एनिमल किसी दूसरे स्पीशीज के एडल्ट एनिमल को का आइडेंटिफाई कर लेता है और उसके अनुसार अपना व्यवहार दर्शाता है। इसके बाद वह अपने स्पीशीज के मेंबर को इग्नोर करने लगता है, मतलब वो था तो दूसरी स्पीशीज का लेकिन उसका हैबिटेट दूसरी स्पीशीज के मेंबर्स के साथ कनेक्टेड हो गया, तो वो अपनी स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उनको इग्नोर करने लगता है और उनकी तरफ जो दूसरी स्पीशीज का है उनकी तरफ अटैचमेंट बना लेता है। उदाहरण के लिए अगर एक मनुष्य किसी कुत्ते का यानी जो डॉग होते हैं का लालन पालन करे, लालन पालन से मतलब उसको अपने पास रखे, उसे खिलाए पिलाए आराम से रखे, तो कुत्ते में मनुष्य की इम्प्रिंटिंग दिखती है। और यही बिहेवियर न केवल उस एनिमल के साथ बल्कि अन्य डॉग्स के साथ भी शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से किसी पक्षी को किसी दूसरी पक्षी के या दूसरी स्पीशीज के सॉन्ग के साथ एक्सपोज किया जाए तो वह उस सॉन्ग के लिए इम्प्रिंटिंग हो जाता है, मतलब जो पक्षियों में चहचहाना होता है अगर वो किसी दूसरी स्पीशीज के साथ रहना शुरू कर दें जैसे ही वो अपने एग से निकले हों तो उनमें अपनी स्पीशीज का आवाज़ नहीं निकलेगी, वो दूसरी स्पीशीज के जो साथ में रहें उसकी तरह उसकी आवाज़ निकलेगी। जैसे आपको एक तो अच्छे माहौल में अच्छे वातावरण में रख दिया जाए, दूसरा मतलब आपके दो भाई हैं, एक आप और एक दूसरा आपसे छोटा या बड़ा, तो आपको एक दूसरे माहौल में रख दिया जाए जहाँ पे लोग अनयूजुअली जो शब्द हैं यानी एब्यूस वगैरह जो गाली वगैरह हैं वहाँ एरिया में रह रहे हो स्टार्टिंग से आपको रख दिया जाए, और एक जो आपका भाई है वो अच्छे एरिया में रह रहा हो, तो आपका आपके परिवार से जो कॉन्टेक्ट है या रिलेशन है वो आपके बिहेवियर्स के द्वारा ही आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आपने कहाँ से कौन सी चीज़ लर्निंग करी। जो अच्छे माहौल में रहता है उसकी लर्निंग अलग होगी और जो बुरे में रहता है वो उसकी लर्निंग अलग होगी। इम्प्रिंटिंग इस
स्पीसीज में स्पेसिफिक होती है और एनिमल के डेवलपमेंट में एक विशेष सेंसिटिव पीरियड में भी होती है। यह उस सेंसिटिव पीरियड से ना तो पहले होती है और ना बाद में। इम्प्रिंटिंग बिहेवियर हाईली स्टेबल होता है। अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग पे चलता है। आप किसी बच्चे को देखो, अगर वो गलत माहौल में रहता है तो उसकी जो बोलने की हैबिट है, अगर उसको आप अच्छे माहौल में ढालना चाहो ना तो काफ़ी समय लग जाता है, एकदम नहीं सीखता वो। कि आपने उसको लेके आए, दो दिन अपने घर रखा, आप उसको सुधार लो, नहीं सुधर पाएगा। उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा, उसको काफ़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है उस दौरान। कभी कभी तो वो उसको छोड़ छाड़ के आपका घर भाग जाएगा। ऐसे ही एनिमल्स में होता है, जो आपके डॉग्स वगैरह हैं या फिर बर्ड्स वगैरह हैं। यह एक एनिमल के पूरे जीवन के लिए फिक्स होता है। एक ही स्पीसीज में डिफरेंट स्टिमुलाई के लिए सेंसिटिव पीरियड डिफरेंट होते हैं। आमतौर पर सोशल कॉमा सेक्सुअल कॉमा पेरेंटियल बिहेवियर मोस्टली इम्प्रिंटेड होते हैं। मतलब जो सामाजिक तथा सेक्सुअल यानी और पेरेंटियल बिहेवियर जो हैं हाईली इम्प्रिंटेड हैं। आज हमने पीएससी थर्ड ईयर में लर्निंग के अंतर्गत लेटेंट लर्निंग, उसके बाद इनसाइट या रीजनिंग, उसके बाद इम्प्रिंटिंग, को डिस्कस किया। कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे।